What's up guys, welcome back to new Minecraft gameplay video. आप सभी को पता ही होगा कि मैंने पिछली वीडियो में एंडरमैन के डैड एंडर ड्रैगन को धूल चटा दी थी. तो अब मैं वहां से वापस आया और मुझे कुछ सूना सूना सा लगा. सूना ये लगा, देखा मेरा कासल की वॉल और एंट्री गेट तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर का ग्रेट लैंड अभी तक बना नहीं है. तो गाइज, मुझे अपने महल को बनाने के लिए सोचा तो मुझे जगह कम लगी और मैंने मॉडर्न की हेल्प से इस जगह को स्पेंड करने की सोची. तो ये हमारा मॉडर्न इस जगह को स्पेंड कर लेता है, ये देखिए. तो गाइज, ये हमारा मॉडर्न सारी काम करने में माहिर. इस जगह पे होने वाला है अपना बहुत ही बड़ा कासल. तो गाइज देखिए, इस महल के चारों तरफ हमने नाला लगा दिया है, नाले की तरह मतलब पानी डाल दिया है. तो चारों तरफ ही हमने पानी डाला है. तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे पानी डाल रखा है. और अभी हमें बहुत सारा सा काम है. इस जगह हमारा होने वाला है कासल. ये जो वॉल दिख रही है आपको, ये वॉल सीधा यहाँ से उठ के पीछे चली जाएगी. जो काम करेगा वो ये है मॉडर्न. ये मॉडर्न को ही लगानी है. और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ मैंने जो पानी डाला है. तो यहाँ पे मैंने एक पुल सा बना रखा है, मतलब उतरने के लिए आयरन फार्म के जाने के लिए जो पुल है, इसके नीचे से भी मैंने पानी निकाल दिया है. ये देखिए, इससे हमारा कासल बहुत ही ज्यादा एंटीक लग रहा है. और अभी चल लेते हैं अपने काम पे. और देखिए, हमारा मॉडर्न तो काम पे लग चुका है, क्योंकि इसे पता है कि काम भी बहुत बाकी है. ये जो वॉल है इसे पूरी की पूरी हमें पीछे लगानी है. तो भाई ठीक है, हम भी जा रहे हैं और जल्दी से अपना डीप सीट लेने, क्योंकि डीप सीट का एक फायदा है कि वहां पे हमें साथ में डायमंड भी मिल जाएगा और वहां पे बहुत सारा डीप सीट भी मिल जाएगा. तो गाइस चलते हैं और लग जाते हैं अपने काम पे. तो जैसा कि आपको पता ही होगा, डीप सीट को तोड़ने का एक सबसे ज्यादा फायदा साथ में यहाँ पे डायमंड मिलने की बहुत ही ज्यादा वो रहती है. पता नहीं गाइस क्या रहती है, लेकिन वो तो आपको पता ही होगा. देखिए गाइस, इससे अमेजिंग वाली बात क्या हो सकती है. लेकिन इतनी देर से मैं डिगिंग करता जा रहा हूँ, अब जाके मुझे चारों तरफ से ये चार डायमंड मिले हैं. तो गाइस सबसे पहले इसकी चारों तरफ से मैं क्लियरिंग कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कितने डायमंड हैं. लेकिन लालच मुझ में ज़्यादा ही है और ये चार डायमंड ही मिले हैं इतनी देर से. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन चारों डायमंड को लेते हैं और अपने काम पे थोड़ा ध्यान देते हैं. अभी तो बहुत सारा डीप सीट कलेक्ट करना है. इतने में तो मेरे महल का एक दरवाज़ा ही बन पाएगा बस. तो गाइज अब चलते हैं अपने काम पे, जितने हो चुके हैं अब ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या होगा. और गाइज मैं ऊपर तो आ जाता हूँ, लेकिन ऊपर आने से पहले मुझे मॉडर्न एक काम बता देता है. बोलता है कि वहाँ ऊपर आने से पहले मैंने कूड़े जलाने वाली मशीन ऑन कर रखी है, उसे बंद करते हुए आना. तो गाइस चलते हैं, देखते हैं उसकी मशीन. तो आवाज़ तो आ ही रही है मुझे, देखता हूँ क्या क्या जलाया उसने. इसे ऑफ करके देखता हूँ और उसने क्या करा है. तो देखते ही मशीन तो आ चुका हूँ, उसे बंद कर देता हूँ. इसमें देखता हूँ क्या जलाया, सारा जल चुका है. और भाई अब चलता हूँ ऊपर की तरफ, क्या हुआ क्या करा उसने. ओह नो गाइस, दिस इज रियली अमेजिंग. इसने तो सारी जगह स्पेंड कर दी और पीछे की थोड़ी सी वॉल भी खड़ी कर दी. तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये काम तो बहुत जल्दी करता है. और ऊपर आने से पहले इनने एक काम और बता दिया. बोल रहा है कि ये सारा का सारा बैम्बू हटा के ये अपने घर के पीछे लगा दो. ये अपने घर जो है इसके पीछे लगाना है. तो गाइज मैं चल लेता हूँ, इसके काम को तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसने इतना काम करा है कि भाई मेरा सारा का सारा कासल इसने तैयार करा है. ये पीछे की वॉल भी खड़ी कर दी इनने. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये अपनी सारी की सारी ये जो बैम्बू स्टिक सारी की सारी यहाँ पे लगा देता हूँ. और क्या कर सकता हूँ मैं इससे ज़्यादा, इसकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता. अभी तो हमें और भी काम बाकी है. जो इतने बताया है इसने, पीछे की लैंप भी तोड़ रखी है. तो अभी देखते हैं इसने लैंप कहाँ से कहाँ तक लगा रखी है. अभी हमें ये भी लगानी है, क्योंकि इसने जो वॉल तोड़ी है उसके चारों तरफ भी हमें और घुमानी है. थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, हम नीचे ना गिर जाएं. और ये देखिए सामने हमारा आयरन फार्म भी दिख रहा है, और हमें गिरने का बड़ा डर है क्योंकि हम आगे जा ही नहीं पा रहे. ओ बे हो जा हो गया. ओह गाइस तो हो चुका है, अब हमें कि साइड ही लगा लेते हैं. ओ लो, जिस चीज़ का डर था वही हो गया.
मैं सोच रहा था गिरूं नहीं, लेकिन मैं गिर गया। अब क्या कर सकते हैं, अब पानी डालना पड़ेगा ऊपर और जब ही पहुंचेंगे तो लो। ये भी काम मैं आसानी से कर लेता हूँ। अब वॉल खड़ी कर लेते हैं, जो हमने वॉल लगाऊंगा, वॉल के नीचे लगाऊंगा अपना लैंप। ये लैंप लगाने के लिए पहले एक वॉल लगा लेता हूँ यहाँ पे। हमें चारों तरफ इसकी वॉल लगानी है। और गाइस अभी एक चीज़ और अमेजिंग होने वाली है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अपने साइड में मैंने बटाटा फार्म बना रखा है, आप देख ही रहे होंगे कि दिख रहा होगा बटाटा फार्म। और क्या, शाम भी हो गई है, देखते देखते चल लेते हैं। अभी तो अपने ये लग गया, अब लैंटर्न और लगा लेते हैं। ओ गाइस सॉरी, फिर लैंटर्न बोल दिया, मुझे बोलना चाहिए लैंप। ये लैंप भी लगा के अपनी वीडियो का फिनिश करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अपने इसके अंदर की अमेजिंग चीज़ें। देखिए मेरे मॉडर्न ने दोनों की वो खड़े कर दिए, वॉच टावर। अब चल लेते हैं अंदर और देखते हैं क्या होता है इसके बाद। मॉडर्न मुझे ऊपर बुला रहा है, बोल रहा है देखो कैसा लग रहा है ऊपर, इतना तो मैंने बना दिया है और बाकी बाद में करते हैं। तो गाइज मैं चल लेता हूँ और देखता हूँ ऊपर। यहाँ का कासल का लुक तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग लग रहा है। अभी तक के लिए इतना ही काफी है और हम अभी बाद में दिखाएंगे कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। अभी तो गाइस ये कासल हमारा पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन जल्दी ही हम इसे पूरा करके आपको दिखा देंगे। तो गाइस चलिए दिखाते हैं हम आपको जाके के एंट्री गेट पे हमारे कि कैसा लगता है ये हमारा कासल। तो गाइस कासल कैसा लग रहा है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप देख ही सकते हो कि अब मैं ऊपर जा रहा हूँ और आपको बताना ही होगा गाइस कमेंट में कि क्या और कैसे बनाया है मैंने कासल। और नीचे मॉडर्न मेरा कैसे घूम रहा है आप देख ही सकते हो। और साथ ही मैंने एंडरमैन के डैड एंडर ड्रैगन को धूल चटा के उसका अंडा ले आया था, तो देख ही सकते हो मेरे बराबर में ये अंडा दिख रहा होगा, ऑब्सिडियन के ऊपर रख रखा है। तो गाइस बने रहिए हमारे चैनल पे
और देखिए हमारी अमेजिंग वीडियोस। और भी गाइस हमारी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना जाते जाते। बाकी बने रहिए हमारी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।